গতকাল কেরালায় একটি শিশুকে উদ্ধার করেছিলেন গরুড় বাহিনীর কমান্ডোরা এবং কিভাবে চলেছিল সেই উদ্ধার কাজ সেই সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেছেন আমাদের প্রতিনিধি নিপুণ সাইকেল। कश्मीर की बाढ़ में भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर लगातार उड़ रहे हैं और उनमें जो पायलट्स हैं या जो उनमें जो क्रू मेंबर्स हैं वो मदद कर रहे हैं लोगों की, उनको जहां जहां फंसे हुए हैं, घरों की छतों पर फंसे हुए हैं, वहां से उनको उठा के लेके आना, उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाना। और हमने देखा कि बच्चों तक को और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उन तक को भी रेस्क्यू कराया गया, उनको इवैक्यूएशन किया गया। हमारे साथ विंग कमांडर प्रशांत हैं जो कि खुद स्पेशल फोर्स के कमांडो हैं, गरुण कमांडो हैं, जो कि हर हेलीकॉप्टर्स में एक या दो कमांडोज हमेशा रहते हैं ताकि विंचिंग जैसे ऊपर खींचने का जो काम होता है वो वही कमांडो करते हैं। हमारे साथ विंग कमांडर प्रशांत है। विंग कमांडर प्रशांत, किस तरह से इन ऑपरेशन को आपने मुमकिन किया? अपना सारे लोग एक ही जगह पर रहता है किसी भी मिशन के लिए इमिडिएटली लॉन्च होने के लिए, उस टाइम पे हमारा वो जो सर्वेस का पर्टिकुलर लोकेशन हमको उसका कोऑर्डिनेट्स मिल जाता है, उसके बाद इधर से मिशन लॉन्च हो जाता है और बेसिकली फुल टीम उसके लिए एक्टिवेशन हो जाता है। और लोकेशन पहुंचने के बाद हम ऊपर से वो नीचे वो सर्वेयर को देखना स्टार्ट कर लेता है उसको पर्टिकुलर लोकेशन कैसा है। उसके बाद जो डोर पर गनर रहता है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमको विंज के थ्रू नीचे भेजने का काम, नीचे जाके रेस्क्यू करके आने वाला काम हम गरुड़ कमांडोज करता है। सारे हेलीकॉप्टर में दो लोग रहता है, ऊपर से हम नीचे देखने। अभी ये पर्टिकुलर जो चीज़ बात कर रहे हैं इसमें बहुत सारे, मतलब इनफैक्ट हमारा हेलीकॉप्टर में 3 बेबीज़ को रेस्क्यू किया गया है एंड 2 प्रेग्नेंट लेडीज़ को। वो उस सिनेरियो पे हम ऊपर से नीचे की तरह देखता हूँ उसमें कितना नीचे जाने का लेवल कंफर्टेबल है और सफिशिएंट स्पेस नीचे मिल रहा है क्या, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, क्योंकि वो फ्लाइट सेफ्टी का ऑफर करते हैं। वो सारे चीज़ मन में रखते हुए हम नीचे की तरह उसका एरिया को ऑब्जर्व करता है। उसके बाद कम्फर्टेबल वाला पोजिशन में पहुँचने के बाद गनर ओके देता है नीचे जाने के लिए। उसके बाद हम उस पर अवेलेबल जो हार्नेस वो करता है उसके बाद नीचे की तरह जाता है। फिर नीचे पहुंचने के बाद उधर वो लोगों को हम समझाता है वो क्या करना चाहिए उसमें, जो विंज के अंदर करके कंफर्टेबल पोजीशन में वो लोगों को फिर हम ऊपर भेजता है। और अभी जो बेबी 2 ईयर का बेबी रेस्क्यू किया वो इंसिडेंट, वो ऊपर से हाईली रिस्क वाला सिनेरियो था वो, उसमें वो गनर मेरे से पूछा गया सर जा सकते हैं उसमें, क्योंकि वो लैंड करने वाला जगह बहुत ही कम था एंड दोनों साइड में नारियल का पेड़ था, वो ऑब्स्ट्रक्शन था। तो वो पूछा तो एक बार नीचे देखने के बाद वो लोगों का चेहरा एक बार देखने के बाद तो आप मना नहीं कर सकते, एवरी वन इज आस्किंग फॉर हेल्प, ऊपर हाथ दिखा के लेके जाओ। और बहुत दिन से पानी का लेवल ऊपर की तरह आ रहा था तो मैंने ओके कर दिया, वो मैं जाऊंगा उसको रेस्क्यू करूंगा। नीचे गया, 2-3 लोगों को रेस्क्यू किया, वो माँ वो बेबी को कैरी कर रखा था, शी वॉज नॉट रेडी टू गिव दैट बेबी ये वे, वो ये बोल रहा था मैं मेरे साथ ही ले जाऊँगा। वो हाईली रिस्क वाला सिनेरियो था तो मैं वो उसको अश्योर किया मैं वो बेबी को लेके आऊँगा, आप पहले ऊपर चले जाइए। तो उसको पहले वो मैडम को ऊपर भेजा है, एक बार कंफर्टेबल पोजिशन पहुँचने के बाद फिर मैं वो विंज में, वो 2 साल का बेबी है तो जो सिस्टम यूज़ करता है हम ये बॉडी हार्नेस उसको पहना नहीं सकते, तो मैं उसको वो बॉडी हार्नेस में कपड़ा के साथ उसको मेरे बॉडी पे चिपका के पकड़ा है, उसके बाद विंच पहना है, फिर ओके दिया गनर। वो एकदम केयरफुल चारों साइड का और सिचुएशन को मन में रखते हुए आराम से ऊपर खींचा है। ऊपर जाके ये मेरे साथ था कॉपल सुरेंद्र, ये वो ऑपरेशन में मेरे को हेल्प किया है। ये ऊपर पहुँचते ही वो सार्जन सुदीप था, सुदीप कांत एंड सूर्य इधर मेरे को आराम से अंदर की तरह खींचा और बेबी को मदर को हैंड ओवर किया।